15 20 दिन ही होए है कि स्टार्ट हुई हैं, तो सरकार दे हाथ खड़े हो गए है। लोग जिहड़ा साडा आवाम है वह रात को डर डर के सो रहे हैं कि कोई पता नहीं कदों लाइट चल जाए। कि बिजली 600 यूनिट सरकार कह रही है कि अभी फ्री की है, जे फ्री की है तो ऐसे सरकार ने फ्री के नाल लोगों ने इन्ना कि झलना ही पैना। हुण फ्री तो उन्होंने देनी है पर उन्होंने कितना कितने पूर्ति तो करनी है, पर वो आम जन को बहुत मुश्किल हो रही है। घर के लाइट चाहिए भाई, 600 यूनिट फ्री नहीं चाहिए। एक दायरा रख लैन कि हर क्लास में एक जहा रेट होवे, रेट जनरल कर लैन, पर बत्ती सानू रेगुलर चाहिए है। पंजाब सरकार द्वारा सत्ता विच आने तो पहला लोगों नाल कई वादे किए गए थे, हालांकि लोग वो वादियां की उड़ीक कर रहे हैं कि कदों वो वादे पूरे होंगे। लेकिन हुण गर्मियों के दिनों में लोगों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, क्योंकि जेड़े बिजली के कट पहला नहीं लगते सी वो बिजली के कट हुण लगने शुरू होए ने। हालांकि कितनी देर यह कट रहेंगे इस बारे ना प्रशासनिक अधिकारी तो ना ही उन्होंने कोई विधायक इस बारे कोई लोगों को दस रहे हैं। सो लोग इस समय बहुत परेशान है। सो तस्वीर तुम देख सकते हो कि लोगों के हाथों के पक्षियां अखबारों के रूप के फिर तो नज़र आ रही, जिहड़ियां पक्षियां शायद काफ़ी देर तो बंद सी क्योंकि बत्ती दे कट लगने बंद होए सी। लेकिन हुण तो पिछले कई दिनों तो ज्यों ज्यों गर्मी वध रही है, 45 डिग्री का तापमान करीब पंजाब दे विच चल रहा है, सो बिजली के कट ज़्यादा लग रहे हैं। सो लोगों नाल ही गल करांगे कि कितनी देर बाद आखिर लोगों ने पक्षियां फड़ियां, क्योंकि पक्षियां का जमाना ही हुण इस वेले खत्म हो चुके हैं। भाजी तुसीं दसो कि जिहड़ी पक्षी तुसीं अज गर्मी तो बचण लई चल रहे हो, कितनी देर बाद तुसीं इह पक्षी फड़ी? सर सब तो पहला तो मैं ये चीज़ दसना चाहना है कि हले गर्मियां जिहड़ियां है वह 15-20 दिन ही होए है कि स्टार्ट हुई हैं, तो सरकार दे हाथ खड़े हो गए है। लोग जिहड़ा साडा आवाम है वह रात को डर डर के सो रहे हैं कि कोई पता नहीं कदों लाइट चल जाए। बच्चे बेचारे खेलते हैं शाम को और उन्हां दी नींद नहीं पूरी हो रही, उन्हां दी स्टडी ते भी बड़ा असर हो रहा। सर बिजनेस पूरा चौपट हो गया है, जो साडे एक आइसक्रीम का उद्योग है, होर कई जिहड़े फ्रूट्स है वो सानू फ्रीजर च रखने पैंदे है, लाइट नहीं आ रही, लखों करोड़ों रुपए का दुकानदारों का नुकसान हो रहा है। और अगर लाइट आती भी है, मतलब 10-10 घंटे के पावर कट के बाद जो लाइट आती है तो वो लो वोल्टेज हैगी है, ओवरलोडिंग के करके बार बार ट्रांसफॉर्मर के फ्यूज़ उड़ रहे हैं। मतलब लोगों को यकीन ही नहीं है कि लाइट नाम की भी कोई चीज़ है पंजाब दे विच। इस तो पहले की गल करिए तो इस तो पहला पक्षियों का जमाना अरसा हो गया, क्योंकि पक्षियां बत्ती के जो कट है वो लगने बिल्कुल बंद हो गए थे। सो पक्षियां फड़े तुहानू कितनी देर हुई है, मतलब कितनी देर बाद तुहानू पुराने समय की याद आ रही है? सर एक समा होंदा सी जदों आपां न्यूज़पेपर च पढ़दे सी कि गौरमेंट ने पहली प्लानिंग करके एडवांस च इलैक्ट्रिसिटी खरीद ली है। यह सारे नूं पता कि सेंट्रल एजेंसीज को सानू इलैक्ट्रिसिटी खरीदनी पैंदी है। लेकिन मैं 20-25 दिन हो गया, महीना हो गया, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैनू कुछ भी नहीं लग पा रहा कि आने वाला जिहड़ा गर्मी का समा है क्या स्टेट गौरमेंट ने अपने प्रबंध वो पूरे कर ले या नहीं कर ले। लोगों के विच एक अनसर्टनिटी का माहौल बने दा, लोगों नूं समझ नहीं आ रहा कि आने वाला समा जिहड़ा लाइट का वो कैसा होएगा। सर भाजी तुसीं दसो गर्मी दे 45 डिग्री का तापमान चल रहा है लगातार पंजाब दे विच, सो बत्ती दे नाल किन्नी परेशानी आ रही? देखो बत्ती दे नाल बच्चों तो बजुर्गों सब तो वध परेशानी आ रही है, गर्मी झलना बहुत औखा उनके लिए। और एक कट्टां दी गल करिए, कट पहले भी सरकारां दे टाइम लगते रही, हुण लेटेस्ट अहीं आपस पहले ही गल कर रही कि बिजली 600 यूनिट सरकार कह रही है कि अहीं फ्री की है, जे फ्री की है तो ऐसे सरकार ने फ्री के नाल लोगों को इन्ना कि झलना ही पैना। हुण फ्री तो उन्होंने देनी है पर उन्होंने कितना कितने पूर्ति तो करनी है, पर वो आम जन को बहुत मुश्किल हो रही है। रात सोना मुश्किल है, कई लोगों के घर इनवेटर लगे ने, पखा चलता और जो इनवेटर लो हो जाते हैं फिर उन्होंने पता लगता कि शायद हुण 600 यूनिट जी फ्री हुई है, वो एहसास रात को हो रहा है सरकार के टाइम पर। सो बिल्कुल 600 यूनिट फ्री बत्ती का एहसास हो रहा है। भाजी तुसीं दसो जिन्नी गर्मी पै रही है तो तुसीं की सोचते हो, 600 यूनिट बत्ती फ्री चाहिए या तुहानू घर दे विच लाइट चाहिए? भाई 600 यूनिट फ्री नहीं चाहिए। एक दायरा रख लैन कि हर क्लास में एक जहा रेट होवे, रेट जनरल कर लैन, पर बत्ती सानू रेगुलर चाहिए है। यूनिट आती है राती जो आप काम करके थक जाने तो जो सौन का टाइम आता उदो बत्ती गुल हो जाती है। तो होंगे कि अजक वोल्टेज बहुत घट आती भी है, तुम 100 वाट का बल्ब जगा लो 0 वाट के बराबर चल रहा है इस वेले, तो इन्ना बुरा हाल हो रहा है। गर्मी के जेडे कट लग रहे हैं ना, इस तो असं तंग हो के इस वेले दुकाना भी बंद हुई पे, इस वेले व्यापार सारा बत्ती है। जे बत्ती आएगी तो व्यापार होएगा, जे बत्ती नहीं आएगी तो व्यापार की होएगा जी?
ਭਾਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ 3-4 ਘੰਟੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਵੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪੱਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਖੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।